देखो भाई वहाँ से रोड आता है, वहाँ से आपको जो गाड़ियाँ नजर आती है वहीं से हम आ गए। और ये देखो भाई, ये रहा इसका डेंजरस पोर्शन भाई साहब। लेकिन जिस तरह व्यू है उसे खतरनाक, यहाँ पे जोजिला पहाड़ है, क्योंकि उस्ताद की गाड़ी को पीछे ही पत्थर आ गया है ऊपर। लेकिन शुक्र है कि ऊपर पड़ गया है त्रिपाल के ऊपर और वो सीधे नीचे गिर गए, शो वगैरह पे नहीं गिरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको फिर से वेलकम करते हैं अपने चैनल में। आई होप कि आप सभी दोस्त और भाई ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो व्लॉग में देखा था कि हम बिल्कुल अपने घर से निकल गए थे और इस टाइम जो अपनी लोकेशन है, आज का वीडियो व्लॉग हम अब प्यारी सी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो भाई, क्या व्यू है, कैसा सीन है। अभी हम जस्ट नाउ जोजिला पास पे आ गए हैं और ये देखो भाई चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। सो करते हैं आज के वीडियो व्लॉग यहीं से स्टार्ट और दिखाते हैं कि कैसा अपना जर्नी रहा है जोजिला पास पे और क्या कुछ हुआ है रास्ते में। ये आप देख सकते हो भाई, बर्फ से ढके हुए पहाड़। सो गाइस, सोनामर्ग से कांटा वगैरह करके निकल गए हम वहाँ से। अब यहाँ से क्या है, जोजिला की चढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सीन है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे। और फयाज भाई जो अपने साथ दूसरी गाड़ी है वो आगे आगे चल रहा है भाई। बाहर से भी आप व्यू चेक कर सकते हो भाई साहब, कितना प्यारा व्यू है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है भाई। आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि फयाज भाई के पास कैसी गाड़ी है, 16 मॉडल है गाड़ी इसके पास। तो फिलहाल हम हो गए हैं स्टार्ट जोजिला को चढ़ने में, क्योंकि इसकी जो चढ़ाई है बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा हिल है इसमें। ये आप देख सकते हो भाई, दो नंबर गाड़ी गेयर पकड़ दी है इसमें, एक नंबर दो नंबर उसी में ही चढ़ना पड़ता है। और ये देखो टेम्परेचर मीटर का खास ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है भाई। और भाई ये सीन चेक करो, ये नज़ारे चेक करो, कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इस टाइम जो अपनी मनी मशीन है, जो अपनी गाड़ी है, वो इसको हम एक स्नो कटर के नाम से आज जाने जाएंगे, क्योंकि ये देखो भाई बर्फ़ कितना लंबा है, कितना ऊपर, लगभग एटलीस्ट जो है जितना दो गाड़ियों का हाइट होता है उतना यहाँ पे बर्फ़ है। और ये देखो कैसा व्यू है, कैसा लुक है। तो फिलहाल हमने भी स्टार्ट किया है, अब हम ऊपर पहुँचने वाले हैं टॉप पर, तो मैं आपको ऊपर भी दिखाऊंगा टॉप में कैसा सीन है, कैसा व्यू है वहां पे। और भाई ये देख सकते हो आप, रोड जो है बिल्कुल डैमेज है जोजिला का, क्योंकि जो विंटर होता है यहां पे, विंटर में इससे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, उसकी वजह से जो बर्फ़ है वो जम जाता है और फिर क्या, फिर वो जो रोड को है तबाह कर डालता है बर्फ़। ये देख सकते हो भाई, अब हम भी यार आराम आराम से ही चल रहे हैं, क्योंकि जोजिला जो है पास होने चाहे फिर कोई टेंशन नहीं है भाई, बहुत हाइट है इसकी। अभी हमें टॉप पे बहुत ऊपर जाना है। तो भाई कैसे ये लोग ड्राइवर करते हैं, वो क्या हो गया, वो मर रहा है। हवा टीकिंग करके बिल्कुल सामने ये ब्रेक मारते हैं, इनको ये समझ नहीं आता है लोड गाड़ी है, रुकेगी नहीं रुकेगी, ये मतलब ये नहीं समझते हैं भाई, इनका वो सोच नहीं है। ओ, 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 ओ।
डैमेज है भाई, रोड इस साल पूरा डैमेज है। खाली एक नंबर दो नंबर गियर में चलना पड़ता है भाई। और भाई अभी हम पहुंच चुके हैं ऊपर जोजिला पे, टॉप पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं, टॉप के नीचे ही है। लेकिन ये आप देख सकते हो नीचे कहाँ पे रोड है, बहुत भाई इसमें हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट है, ये आप देख सकते हो। और ऊपर से आप देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है पहाड़ों का, अमेजिंग व्यू भाई। ये देखो देखो अपनी गाड़ी जो है वो आगे हमने लगाई है, क्योंकि यहाँ पे जाम लगा है, पता नहीं किस वजह का जाम है। देखो सभी गाड़ियाँ जो है उन्होंने अपनी अपनी गाड़ी जो है लाइन में लगाई है, तो आगे सिंगल सीट रश है उसकी वजह से जाम होगा आगे, उसकी वजह से यार आगे जाम है, देख सकते हो भाई। फयाज़ भाई का हम वेट कर रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि फयाज़ भाई हर बार पीछे पीछे क्यों चला जाता है, हमें समझ नहीं आता है। और ये देखो भाई कैसा व्यू है, कैसा मौसम है, बिल्कुल एकदम ट्रेमेंडस मौसम है, नाइस मौसम है, देख सकते हो पानी कितना यहाँ से निकल रहा है, ये बर्फ़ का पानी है इसलिए यहाँ से निकल रहा है। और ये देखो भाई बहुत हाइट है। तो फिलहाल हम वेट करेंगे कब तक जाम यहाँ से खुल जाएगा, तो उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से आगे अपने मंजिल की तरफ भाई। और इसी के साथ साथ फयाज़ भाई जो अपना है ये पीछे रह गया था, तो अब हमने ऊपर जाम में गाड़ी साइड लगाई और फयाज़ भाई के लिए भी जगह हमने रखी है। ये आप देख सकती हो किस तरह जो है ट्रकर्स ऑन द हिल ऑन द जोजिला टॉप। तो पहले क्या है ओनली 6-6 की गाड़ी जो है वो एलो थे इस पे लेह लद्दाख पे, लेकिन अब समय बदलने के साथ साथ 10 चक्का 12 चक्का और 14 चक्का सभी गाड़ियों को छोड़ा जाता है, ये आप देख सकते हो। ये देखो भाई, चलो भाई फयाज़ भाई चलो आगे, चलो आगे आगे मैंने जगह रखी है यार आगे, चलो सीधा राइट साइड में चलो आगे। अभी चल रहा है अपनी गाड़ी के पीछे, इसको मैंने और इसी के साथ साथ भाई जाम खुलने के साथ साथ ही हम अपना जर्नी है वो आगे बढ़ गया है। तो अभी हम जस्ट नाउ पहुंचने वाले हैं टॉप पे, और ये आप देख सकती हो बाहर से कितने माउंटेन्स है, और ये भी चेक करो भाई कितनी हाइट है जोजिला पास की। तो अभी हम और यहाँ पे गाड़ी जो है सबसे ज़्यादा धुआं देती है, क्योंकि ठंड जो है एटलीस्ट यहाँ पर अभी जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी यहाँ पर, ये आप देख सकती हो। आगे वाली गाड़ी भी एक नंबर गेयर में चढ़ रही है और अपनी गाड़ी भी एक नंबर गियर में चढ़ रही है, ये देखो। लेकिन नीचे यार देखो हाइट कितनी है, और पीछे भी देखो कैसा है जोजिला पास, मोस्ट डेंजरस पोर्शन इन द जम्मू लेह लद्दाख हाईवे। ये देखो भाई बाहर से भी माउंटेन्स कितने ब्यूटीफुल है, कितने खूबसूरत है। तो अभी फिर से यहाँ पे जाम लग गया है भाई, और ये नीचे भी देखो बहुत गहरा है, मतलब अगर और जो बाहर के आइडियंस हैं हमारे वो सच बता देना आज कमेंट बॉक्स में कि आपको ऐसा व्यू नज़ारा कहीं देखने को मिलता है। ये देखो भाई उस साइड भी बर्फ, इस साइड भी बर्फ, इसी बर्फ़ की वजह से सिंगल रोड की वजह से फिर क्या है गाड़ियों को एक ही साइड अलाउ किया जाता है, मतलब अगर इसमें दो गाड़ी वहाँ से भी गाड़ी छोड़ेंगे दोनों साइड से तो फिर इसका जाम जो है वो नहीं खुलेगा यार। ये आप देख सकते हो कितना आगे फिर से जाम लग गया है। तो ये देखो बर्फ उस साइड भी इस साइड भी, और वेलकम टू द जोजिला टॉप। इसकी जो हाइट है 11,649 फीट अबो द सी लेवल, और ये देखो कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा सीन है, बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे वीडियो व्लॉग क्रिएट करना, बहुत ही अच्छा। और इसी के साथ साथ इस गाड़ी का पता नहीं क्या हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया क्या हो गया, ये फिलहाल रुका है साइड में, तो हम सीधे आगे चलेंगे भाई। ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी दूसरी गाड़ी जो है, मतलब यहाँ पे दो दो तीन तीन गाड़ी एक साथ चलती है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ जाएगी तो फिर एक दूसरे का हेल्प करते हैं। और ये देखो भाई स्पीड क्या है 10 किलोमीटर स्पीड पर हावर, और यहाँ से भी दो इस राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी दोनों साइड से स्नो नज़र आ रहा है, खाली बर्फ ही बर्फ, और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा धुआं देती है इस पर, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत डाउन है, ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देखो भाई और फाइनली भाई वेलकम टू द जोजिला पास, जो मतलब इसकी सबसे ऊपर हाइट है, लास्ट पॉइंट है ये जोजिला का, ये आप देख सकती हो कितना डेंजरस रोड है यहाँ पे भाई, उस साइड भी पत्थर और इस साइड भी पत्थर, और ये नीचे आप देख सकती हो गहरा कितना रोड है, कम अज कम इसकी जो हाइट है 7000
11,649 फीट अबव द सी लेवल। वहाँ से रोड आता है, वहाँ से आपको जो गाड़ियाँ नजर आती है वहीं से हम आ गए। और ये देखो भाई, ये रहा इसका डेंजरस पोर्शन भाई साहब। ये देखो भाई, ओ बहुत केयरफुली इस पे ड्राइव करना पड़ता है। ये देखो, मतलब अगर हल्का सा लेफ्ट गाड़ी गई तो त्रिपाल उपाल सब कुछ खत्म हो जाता है यहाँ पे भाई। ये देखो, बहुत सी गाड़ियों को इसके साथ टच हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो ड्राइव है वो बिल्कुल केयरफुली करना पड़ता है। और ये देखो ऊपर से भी पहाड़ कैसा ब्यूटीफुल है। ये जो आपको नीचे रोड नजर आ रहा है, ये इसका पुराना वाला रोड था, ये आप देख सकते हो, ये इसका पुराना रोड था जो जोला टाइप का, लेकिन ये अब खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है स्लाइडिंग की वजह से। और ये देखो भाई, ऐसा सीन, ऐसा व्यू आपको इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो व्लॉग पसंद आएंगे और जरूर आप इसको जरूर शेयर करोगे। और यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है, बिस्मिल्लाह, वेलकम टू आई लव सुजला। ये देखो भाई, आई लव सुजला टाउन। क्या व्यू है, कैसा सीन है। अभी हम जस्ट नाउ जोजिला पास पे आ गए हैं और ये देखो भाई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। सो करते हैं आज के वीडियो व्लॉग यहीं से स्टार्ट और दिखाते हैं कि कैसा अपना जर्नी रहा है जोजिला पास पे और क्या कुछ हुआ है रास्ते में। ये आप देख सकते हो भाई, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। और अपने साथ जो है सरताज भाई भी अपने साथ है, फयाज भाई की गाड़ी अपने गाड़ी के पीछे पीछे जा रही है। और ये देखो भाई, अरबाज भाई अभी जो है पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं उधर बर्फ को। ये देखो भाई, हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद, ऐसा सीन हमें दोबारा देखने को नहीं मिलता है भाई। वो देखो भाई, वहाँ पे आवाज़ मार रहे हैं, टेनेकस। ये देखो भाई, वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं, ये भी अपने साइड के लड़के है, उस्ताद है उरनहाल साइड के। ये देखो भाई, ओहो, क्या व्यू है, क्या नज़ारा है, क्या सीन है भाई। रियली ऐसा सीन कहीं इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा यार। ये देखो कैसा व्यू है, लेकिन जिस तरह व्यू है उसे खतरनाक, यहाँ पे जोजिला पहाड़ है, क्योंकि उस्ताद की गाड़ी को पीछे ही पत्थर आ गया है ऊपर, लेकिन शुक्र है कि ऊपर पड़ गया है त्रिपाल के ऊपर और वो सीधे नीचे गिर गए, शो वगैरह पर नहीं गिरा।